अंदर नहीं गए दूर जाके वहाँ तो आज वादा है तो था इसके तुम कोई सामान रखवाना जल गए लाओ मैं बनाओ बनाओ बता हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग मुझे एडिट करने में और अपलोड करने में टाइम लग गया क्योंकि मैं थी मेरे ससुराल में और वहाँ पर नेट का प्रॉब्लम था, तो ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ दिल्ली में वापस आकर। हाँ थोड़ा सा लेट है बट कोई नहीं, मैंने कहा अगर मैंने व्लॉग शूट किया तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कलर्स वगैरह मैंने निकाल कर रखे हैं और हमारे यहाँ जो होली का प्रोग्राम होता है, मतलब होली जलने का जो होता है, वो काफ़ी अलग तरीके से होता है। मायके जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग तरीके के हैं और होली ससुराल की बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती है। हमारे यहाँ जो है ना होली इस तरीके से आंगन में हम होली को रखते हैं और यहाँ पर ही हमें जलाना होता है। तो जहाँ पर एक प्रॉपर होली जलती है उस होली से आग ला कर हम यहाँ पर आग लगाते हैं इसमें, और उसके बाद इसको फूंकना नहीं होता है, अपने आप से ही जब इसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलने लगता है और अपने आप से ही जलती है तब तक हम बैठकर इसमें पूजा पाठ करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और हम सभी जो है ना इसमें भोग लगाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, और सबसे पहले अबीर और गुलाल हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो है ना, ये है मेरी सासू माँ, फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रही हैं, और तो मम्मी यहाँ पर गुलाल वगैरह जो है ना अच्छे से लगा दे रही हैं। पूरा फैमिली मिल के इस टाइम का वेट करता है और हम सभी लोग एक साथ मिल के बैठ के ये वाला जो पार्ट है ना होली का, सभी साथ में बैठ के करते हैं। अभी आगे मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से होलिका दहन का प्रोग्राम करते हैं और हमारे यहाँ इसका सेलिब्रेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है एंड ऑल दैट। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर जो है ना अच्छे से एकदम से बना दिया है हमने, और यहाँ पर मैंने एक मेरे देवर के फ़ोन में मैंने यहाँ पर एक इंस्टा रील बनाया था, वो इंस्टा रील काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया और वो बहुत अच्छा लगा। होलिका दहन का एक इंस्टा रील था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो ये देखिए हम लोग होली जलने का वेट कर रहे हैं, फूंकना नहीं होता है जब तक अपने आप से ना जलने लगे। तो गन्ने वगैरह जो है ना हम लोग ला कर रखते हैं, गन्ने हैं और शायद वो बालियाँ होती हैं, वो शायद उसकी होती हैं जल गए जौ की बालियाँ होती हैं। मैं बनाओ जौ की बालियाँ गन्ने में जो लपेट के होली रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए होली जलने लगी और ये मम्मी जो है ना गन्ने और जौ की बालियाँ एक साथ बालियाँ भूनने का प्रोसेस है, और भूनने के बाद हम इसे गन्ने को चुनते हैं और बालियों को जो है ना ऐसे हाथ से छोड़ कर साफ करके खाते भी हैं, और इसी का ही भोग भी लगाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग होता है बट हमारे यहाँ ये जो है ना काफ़ी अलग तरीके होता है। गन्ना जो है ना हम लोग कार से गन्ना लेकर आए थे, तो गन्ना हमें बीच से तोड़ना पड़ा क्योंकि पूरा गन्ना कार से नहीं ला पा रहे थे। वैसे जो है ना पूरा गन्ना ही लेकर आते हैं, तोड़ते नहीं हैं। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, ये मेरे मायके में नहीं होता है। यहाँ पर पूरी फैमिली जौ के बीज निकाल के और हम लोग उसमें भोग लगाते हैं, डालते हैं आग में और सात फेरे लेते हैं। पूरा फैमिली ही सात फेरे लेती है। वैभव जो है ना इस वक्त सो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ होली सुबह सुबह ही जलती है। वैभव अभी सोकर नहीं उठे हैं, अगर उठे होते तो व्लॉग इस तरीके का नहीं बना होता, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मैशअप हो जाता। हम सभी लोग साथ साथ फेरे लगाते जाते हैं, पैर छूते जाते हैं और इसी में ही जो है ना जौ के दाने भी डालते जाते हैं। इसके बाद का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि हम सब लोग एक साथ मिलके करते हैं। फैमिली जो है ना, जब भी हम फैमिली के साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं तो उसका तौर तरीका और मतलब अपनेपन की खुशी एक अलग ही होती है। और दिल्ली से हम लोग होली में गए थे फेस्टिवल मनाने के लिए, और ये देखिए सभी लोग, हम सब लोग सभी के साथ फेरे पूरे हो चुके हैं और अब हम लोग बैठेंगे और गन्ने चूसेंगे। गन्ने चूसे, और जब मैं मायके होती थी मेरे मायके काफी टाइम के बाद गन्ने चूस रही हूँ, बट अच्छा लगता है कि हम साथ में बैठ के गन्ने वगैरह चूसते हैं, खाते हैं और करते हैं।
ये होलिका दहन का प्रोग्राम हो गया, अब हो गई है शाम। शाम के बज गए होंगे 6:30 या 7 बज गए हैं। हमारे फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हस्बैंड हैं, मम्मी पापा हैं और एक देवर हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो देवर को मैं यहाँ पर होली जो है ना हम लोगों ने दिन में खेल ली थी, बट यहाँ पर देवर को मैं लगा रही हूँ रंग। हमारे यहाँ देवर को रंग लगाते हैं भाभी लोग, सभी लोग लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर मावर लगा रही हूँ, हमारे यहाँ मावर भी लगाते हैं लिपस्टिक बिंदी लगाकर। आप किसी भी तरीके से जो है ना मतलब होली खेल सकते हैं, ये एक अलग प्रोसेस होता है। मावर वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी है, देख सकते हैं जो है ना मैंने काफ़ी डिफरेंट तरीके से लगाई और मोटा मोटा सा ही लगाया हुआ था। मम्मी बोल रही थी कि ये तुमने कैसा लगाया, मन का लेडीज़ का अलग होता है जेंट्स का अलग होता है, इसलिए मैंने ऐसे लगाया है। तो मावर वगैरह लगा चुकी बनाओ। ऐसे लगाते रहो तुम लोग, बस ऐसे चलते रहो, गाना ऐड हो जाएगा बाद में। तो इनको वीडियो भेज देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फोटो की कोई जरूरत नहीं है, सब आ जाएंगे इसमें। सही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, बाय।